आज जजों ने भी बोल दिया कि लोकतंत्र खतरे में, तो आप मानती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो लोकतंत्र खतरे में तो कैसे खतरे में है? देखिए, चार जजेस आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया इस तरीके से, वो एक उनकी अपनी थिंकिंग रही जो उन्होंने कहा। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा स्तंभ है जिस पर लोग विश्वास करते हैं वो जुडिशरी है, तो अगर जुडिशरी भी इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ये अपने आप में एक बहुत, मेरे हिसाब से बड़ी दुखद है। और लेकिन फिर भी हमको जुडिशरी पे पूर्ण विश्वास रखते हुए, उनकी भी जो भी उन्होंने, जिस वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सब सॉल्व हो। और बस ये है कि जुडिशरी पे विश्वास ना टूटे, क्योंकि एक वही बचा है। डॉक्टर अनीता जी, आप मानती हैं ना कहीं न्यायपालिका में भी कमियां आ रही हैं? कमियां आ रही हैं, हर जगह आ रही हैं, न्यायपालिका में भी कमियां आ रही हैं। इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है कि चार जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई कमी रही उसमें? लेकिन एक विश्वास भी तो है जुडिशरी का, क्योंकि हर इंसान को, या तो बॉर्डर पर खड़े एक सिपाही है जो हमारे लिए रोज़ अपने जान नछावर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस वातावरण में सांस ले पा रहे हैं, एक कि हम पूरी तरीके से देश हमारा जो है परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है, हम ले पा रहे हैं उनकी वजह से, और एक जुडिशरी के ऊपर कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, और हमेशा से रहा है। और जुडिशरी ने भी काम अपना बखूबी निभाया है, पूर्ण विश्वास के साथ, बगैर के किसी पॉलिटिक्स में आए, बगैर किसी धर्म में आए। लेकिन ये मेरा मानना ये है कि जब चार जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये तो अगर विदेशों की कामना करते हैं, इस इंडिया को डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी बात को कह दिया, तो इसको इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो हिंदुस्तान का मुद्दा बनाना तो सबका है, उन्होंने तो अपनी एक बात कही है, अब उस बात कहने के पीछे उसी को मुद्दा बना लिया, क्योंकि सबको लगता है कि जो एक पॉजिटिविटी है कहीं भी उसमें एक कमी निकली और उसको हाईलाइट करो, ये इसीलिए कर रही है मीडिया। तो मैडम, ये एक अपनी सच्चाई उन्होंने उगली है ना कि भाई, जो केसेज हैं वो केसेज प्रॉपर न देने के कारण वो आप केस उनको दिए जा रहे हैं जो उन्हीं के फेवर में न्याय करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये हुई है जिस वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऐसा ही कुछ हुआ है।